वीवीआईपी जनपद अमेठी के जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया रामबक्सगढ़ गांव में कल नाबालिग दलित किशोरी की रेप के बाद फांसी के फंदे से लटकते पाए जाने के मामले में अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने परिजनों के आरोपों को सिरे से किया खारिज। तो पता डर रही है ना बिल्कुल। दादा का नाम है आपके? नगेशा सर नाम है। ग्राम सभा बक्सगढ़, ग्राम सरैया, मौजा बक्सगढ़, थाना जामो, जिला में। ये लड़की आपकी थी? जी हाँ। क्या नाम था? कोमल। अच्छा, क्या मामला है? मामला साहब छगड़ी लेके गए रहे चलावे। अच्छा जी, वहाँ पर साहब छगड़ी वापस आ गई। अच्छा, छगड़ी वापस आई साहब 12 बजे। अच्छा, लगभग 12 बजे छगड़ी वापस आ गई सर। उसके साथ में बच्ची नहीं थी तो हमारी लड़की एक थी, तो कहे कोमल अभी नहीं आई है, कहा गए देखी जाए कहाँ। घोड़ा हाथा पर, घोड़ा हाथा में वहाँ गई तो चार फुट की ऊंचाई पर सफेदा के तेल में गांठ लगा कर वो फांसी दी गई सीधा पे। अच्छा, आप लोग ये आशंका जता रहे हैं कि फांसी लगाई गई है किसी के द्वारा? हाँ, फांसी किसी के द्वारा लगाई गई है। अच्छा। सब सीधा पे साहब वहाँ बैठक डांड होत लगाई पूजी होत तो वो हमें शंका हो सीधा पेड़ वहाँ चढ़ नहीं सका। तो क्या रेप ओप की भी आशंका है क्या आपको? हमारा साहब शंका जोक नहीं ना, जो दुश्मन रही ना झगड़ा रही। हाँ, हो हमको यही शंका है और कि लड़की के साथ ही लड़कों ने ऐसा काम किया, गलत काम हुआ है लड़की के साथ। कोई निशान मिले हैं लड़की के शरीर पे? निशान तो साहब हमने ही देखा कपड़ा चेंज करने के बाद, औरतों ने देखा है। ठीक है दादी, आप पे हमारा नाम राम रतन है। आप लड़की के हैं? हमारे जेठ के लड़के हैं। तो दादी का मामला है ये मामला तो फांसी लगा के मार के टांग दी थी। अच्छा, तो दादी और निशान मिला है? हाँ मिला है, हमारे जो लहास आई है तो टट्टी कह रही है। अच्छा, जो टट्टी कह रही तो बदबू आवत रही, बदबू से भवक कपड़ा बदल दिन जाए तो जब बदला है दूसर पहरावा तो वो के खून के मतलब वो के शरीर में स्वथर रही जो और खोल के देखा तो यहाँ पेट में है। पेट में भी निशान थे? हाँ। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ? हाँ, है हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सिंह सावंत है। आज आप लोग रामबक्सगढ़ गांव में आए हैं? जी सर। क्या है पूरा मामला? वहाँ मामला ये है कि एक लड़की अपना यानी कि बकरी चराने गई थी, तो बकरी चराने गई थी सुबह के टाइम 8 बजे करीब में, तो वहाँ से उनकी बकरी यानी कि वापस आ गई थी अपने मन से, और उसके बाद में उस लड़की को छानबीन किया गया तो पता चला कि उसका शव जो एक सफ़ेदे के पेड़ से लटका दिया गया मार के। जब वहाँ घर से यानी कि एक 12 पे कॉल किया गया था, 112 पे वहाँ पुलिस गई, अपना जो काम उसका है उन्होंने किया। जब घर उस लाश को लेकर आए, वैसे तो उसकी बड़ी बहन वहाँ पहुँची, उस लाश को वहाँ से उठा ले आए घर तक। घर पे जब उसका बॉडी चेकअप किया गया तो उसमें पता चला कि यानी कि शरीर पर बहुत सारे घाव भी हैं, है ना, चोट के, और पैर रस्सी से बंधा हुआ था, गले में भी खराश थी उसके, और प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड का यानी प्रवाह हुआ था, है ना। तो यही है वहाँ का मामला, और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि उस मैटर को संज्ञान में लेकर और उसको न्याय दिलाने। क्या नाम है भैया आपका? अरुण अम्बेडकर, भीम आर्मी जिला महासचिव, अमेठी, उत्तर प्रदेश। आज आप रामबक्सगढ़ गांव में आए थे, एक लड़की की हत्या हो गई है, आप लोग आशंका जता रहे हैं, पुलिस बता रही है कि वो आत्महत्या है, क्या है पूरा मामला? नहीं, मैं घर पे गया और लड़की के कोमल नाम है उसका, उसके पिता से हम मिले, और उसके बाद वो लड़की के पिता नागेश्वर हमको बताए, उनके घर पर मिले तो वो हमको बताए कि लड़की बकरी चराने गई थी सुबह लगभग वही 8:30 बजे गए। उसके बाद वहाँ पे और बच्चे थे चरा रहे बकरी, लेकिन वो लोग पहले अपनी बकरी लेकर चले आए थे वहाँ से। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा लेट हुआ, उनकी बकरियाँ लगभग वही 12:30 बजे घर चली आई,
अपने मन से। और उसके बाद जब इनके घर वाले गए, इनकी बड़ी बेटी प्रीति नाम है उसका, वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे देखी कि उसके बहन का शव एक सफ़ेदे के पौधे से लटका था। वो लगभग 4 फुट के करीब में उसका वो जो दुपट्टा था उसको बांधा गया था, उसके गले में वही दुपट्टा बांधा गया था, एक गांठ लगी थी दोनों में। और उसके बाद उसका पैर जो था वो भूमि पर छू रहा था, स्पर्श कर रहा था। और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, अपना वो जो काम है वो अपना करके गई। बाकी उनके एक दादी हैं, वो बताई कि जब उनका लड़की का कपड़ा चेंज किया गया तो उसमें ब्लड लगा था, लेटरिंग हो गई थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन थी, ब्लड निकल आया था, ये सब उनकी दादी बताई जब कपड़ा चेंज की थी। कल दिनांक 13 मई 2021 को थाना जामो पर करीब 2:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का, 13 वर्षीय बालिका का शव वृक्ष से लटका हुआ है, जिस पर अविलंब पुलिस मौके पर पहुंची और वहां घटनाक्रम इस प्रकार पाया गया कि 13 वर्षीय बालिका सवेरे 7 बजे बकरियां चराने के लिए निकली थी घर से, और 11 बजे जब बकरियां लौट आई और वो नहीं लौटी तो उसकी बड़ी बहन उसको तलाशने निकली और वहां उसने उसका शव वृक्ष से लटके हुए पाया। वह स्वयं ही उस शव को वृक्ष से उतारकर घर लेती आई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसने अविलंब टीमें सक्रिय करी, पूरी संवेदनशीलता से परिजनों से गहनता से पूछताछ करके तदनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी गई। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यह अनुरोध किया गया पारदर्शिता के लिए कि पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के पैनल से कराया जाए और गोपनीयता और गरिमा के साथ उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। आज 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, फांसी लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके शरीर पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं पाया गया है। यौनिक हमले, सेक्सुअल असाल्ट, रेप का कोई भी चिन्ह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं प्राप्त हुआ है। हमारी टीमें मौके पर सक्रिय हैं, हर छोटे से छोटे तथ्य को हमारी फोरेंसिक टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, SOG की टीम और थाने की टीम विश्लेषित कर रही है और हम हर तथ्य की गहनता के साथ समीक्षा करते हुए घटना के हर तथ्य का बड़े बारीकी से अनुसंधान करते हुए सभी तथ्यों का अनावरण करने के लिए प्रयासशील हैं ताकि यथाशीघ्र हम सभी तथ्यों को प्रकाशित करते हुए यथोचित वैधानिक कार्रवाई करें।